गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूँ। और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और मैं अपनी खुद फेवरेट हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैंने एक रील बनाई थी इसके ऊपर और वो जब से रील डाली ना, मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स बड़े सता रहे फ़ोन के, हाँ तू तो अपनी फेवरेट है, तू तो अपनी फेवरेट है। व्लॉग मैं अभी पार्लर में इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि दीदी घर में आई हुई है, तो उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारना हमें अच्छा लगता है। क्योंकि दीदी बार बार आती नहीं है, बहुत बुलाने पे आती है वो। इस बार भी हमने कम से कम 2 महीने से उसके पीछे लगे थे, आ जा दीदी, आ जा रहने के लिए, आ जा थोड़े दिन के लिए, आ जा। वो भी सिर्फ 4 दिन के लिए आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीदी के साथ गुजारना, बात करना अच्छा लगता है। इसलिए व्लॉगिंग घर पर नहीं की। और दीदी बहुत शाय है, बहुत शर्माती है, वो कैमरे के सामने आती नहीं है, इसलिए वो बोलती है मुझे तू व्लॉगिंग करिए तो मुझे उसमें मत लेना। तो इसीलिए अभी यहाँ पार्लर आने के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सुबह जिम गई थी, जिम से आने के बाद आलू पराठा बनाया था मैंने। और मैं ईमानदारी से बताती हूँ, मैंने सिर्फ एक आलू पराठा खाया है, एक ही, उतना ज़रूरी था। तो ग्लूकोन डी आज से मैंने स्टार्ट किया है पीना सुबह। और जब मैं जिम जाती हूँ तो मैं ग्लूकोन डी लेके जाती हूँ, जो मेरी पानी की बॉटल होती है उसमें पानी में ग्लूकोन डी मिला के लेके जाती हूँ। और मैंगो फ्लेवर जो है ग्लूकोन डी, मैं वो लेके जा रही हूँ। ज़्यादा नहीं पीती, बस बीच बीच में एक एक सिप, ताकि थोड़ी एनर्जी बनी रहे। क्योंकि मुझे चक्कर आने स्टार्ट हो गए थे पिछले एक हफ्ते से। मैं बार बार एक्सरसाइज करते वक्त मैं से ये हो रही थी, मुझे शेक हो रहा था और मुझे एकदम से चक्कर आ रहे थे। तो सर ने कहा अब ग्लूकोन डी पीजिएगा। तो एक्चुअली उन्होंने कहा था कि नींबू पानी का शरबत बना के लेके आइए, बट मुझे थोड़ा नींबू होता नहीं है। जब मैं नींबू पानी पीती हूँ तो मुझे माइग्रेन की वजह से सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ग्लूकोन डी लेके गई थी। तो ये अपडेट है मेरे जिम की कि मैं ग्लूकोन डी पी रही हूँ सुबह। एक बॉटल में 75% बॉटल भर के लेके जाती हूँ मैं, और उतना मैं पीती हूँ। और क्या अपडेट दूँ, आज मैं मार्केट जाने वाली हूँ, तो मार्केट जाऊँगी तो आपको लेके जाऊँगी। दीदी के लिए कुछ चीज़ें लेनी है। अभी आगे क्या क्या होता है आपके साथ मैं शेयर करते रहूँगी, बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम आए हैं महात्मा गांधी मार्केट, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फूल मिल जाएंगे, फल मिल जाएंगे, सब्जियाँ मिल जाएंगी। तो चलिए चलते। तो दीदी के शॉपिंग ख़त्म करने के बाद हम फूलों के मार्केट आए, और आपको मैं कभी लेके नहीं आई हूँ यहाँ पे, इसीलिए आज सोचा चलिए दिखा देती हूँ हमारे हुबली का फूलों का मार्केट किस तरह से। वैसे तो हम हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार आके 15 दिन 10 दिन के लिए जितने फूल चाहिए भगवान के लिए उतने लेके जाते, बट मैं आपको लेके नहीं आई थी इसलिए दिखा रही हूँ। देखिए फूलों को देख के हर फूल लेने का मन करता है। गुलाबों की इतनी वैरायटीज़ है, झंडू की है, मतलब गेंदा फूल बोलते हैं ना, गेंदा फूल की है, अलग अलग है। और यहाँ पे शादियों के लिए भी जो जूड़ा बनता है वो भी यहाँ पे रेडी होता है, शादियों के लिए या फिर गोद भराई के लिए, एंगेजमेंट्स के लिए बहुत सारे वैरायटीज़ यहाँ पे बनते हैं। आप यहाँ पे फ़ोटोज़ देख के ऑर्डर देंगे तो ये जब आपकी शादी होती है उस दिन सुबह सुबह आपके लिए जो है वो रेडी हो जाता है। इवन देखिए माला वगैरह भी ज़बरदस्त, मतलब फूल, मुझे एक्चुअली फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत, मुझे फूल, पेड़ पौधे, पत्ते, तो मैं कितनी देर तक यहीं पे ऐसे घूम ही रही थी, शूट कर रही थी, और लोग सोच रहे थे ये क्यों शूट कर रही है, मतलब फूलों का मार्केट क्यों शूट कर रही है इस तरह से। बट क्या करें, जो मैं, मुझे अच्छा लगता है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और बाद में हमारे फलों के मार्केट में हमें कुछ मसाले लेने थे, तो स्पाइसेस लेने के लिए हम ये मार्केट से निकल के आगे निकलना पड़ता है। तो फलों का मार्केट से निकल के हम स्पाइसेस के मार्केट पहुँचे, क्योंकि मुझे चाय का मसाला भी बनाना था तो उसके भी मसाले लेने थे। और घर में जो पुलाव मसाला, सब्जी मसाला होता है, मतलब जो खड़े मसाले होते हैं वो भी ख़त्म हो चुके, तो वो भी लेने थे। तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा दूँ हमारा हुबली का फलों का मार्केट, फूलों का मार्केट, बर्तनों का मार्केट। यहाँ पे बर्तन और फल दोनों साथ में बिकते, और खजूर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आपको बता दूँ मैं खजूर की फ़ैन हूँ। मतलब मुझे ऐसे नरम वाले खजूर ना, जो ये फर्स्ट वाले, फर्स्ट रो में जो है वो, सेकंड वाले नहीं, फर्स्ट वाले, तो मैंने वो ही लिए एक्चुअली। दो रोज़ सुबह 2 खजूर खा के ही मैं जिम जाने का सोच रही हूँ अभी, ऐसे मैं सोचती हूँ और लगातार 4-5 खा लेती हूँ क्या करूँ, बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो स्वीट होते हैं और उसमें शुगर नहीं होता, इसलिए ज़्यादा पसंद है। और मैं खजूर बर्फी भी उतनी ही पसंद से खाती हूँ। और फलों को देखिए, कलर्स देखिए, आपको ये सारे फल लेके फ्रूट सैलड बनाने का खाने का मन ही करेगा क्या इतने फ्रूट्स देख के? ज़रूर करेगा, मेरा तो बहुत कर रहा था, बट हमें अभी आगे बहुत सारे काम थे तो हम आगे निकले। बट कलर कलर फ्रूट्स देख के ना खाने का मन करता ही है,
तो वैसे भी हमने एक और थोड़े थोड़े फल ले ही लिए थे घर आने के बाद, सैलड बना के मैं खाऊंगी ये तो पूछने की बात ही नहीं है कि बिना फ्रूट्स को देख के मैं विदाउट फ्रूट सैलड घर में रहेंगी नहीं रह पाती। फिर अभी यहाँ पे सब्जी का मार्केट भी है आगे, दीदी अपने गांव से काफ़ी सारी सब्जियाँ लेके आई थी जो हमने अभी तक बनाई भी नहीं है, तो आज मैं सब्जियाँ तो नहीं लेने वाली, सब्जियों को हम क्रॉस करके आगे निकलने वाले हैं स्पाइसेस खरीदने जो ज़्यादा ज़रूरी है मुझे। और चलिए ऐसे बोलते बोलते मार्केट ख़त्म ही नहीं हो रहा, देखो कितनी बातें हो गई हमारी और मैं से भी मैं इतना फास्ट दिखा रही हूँ आपको फिर भी मार्केट ख़त्म नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा मार्केट है और काफ़ी फ्रेश सब्जियाँ मिलती है यहाँ पे, सब्जियों के कलर्स देखिए आपको पता चलेगा कितनी फ्रेश है, मतलब फ़ोन में इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहे बट अगर आप वहीं होते ना तो आपको पता चलता इतनी फ्रेश सब्जियाँ हैं। तो फाइनली हम आ गए मसालों की दुकान और ये देखिए मसाले, इतने सारे मसाले जो हमें चाहिए वो सारे मिलते हैं यहाँ। हम हमेशा मसाले लेने यहीं पे आते, बस आपको कभी नहीं लेके आए थे तो सोचा चलो आज आए तो आपको भी लेके आए। जितने भी मसाले मुझे चाहिए रहते वो सारे मैं यहीं पे लेती हूँ, जैसे कि चाय का मसाला के लिए सूखी अदरक हो, इलायची हो, दालचीनी, लौंग, ब्लैक पेपर, वो सारे मेथी के दाने, सब कुछ मैं यहीं से लेती हूँ। शादी के रुकवत में रखने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। ये विट्ठल मंदिर के सामने ही है ये दुकान जिसमें ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो रुकवत बोलते हैं ना, जिसको दुल्हन के साथ जो सामान जाता है उस सारी सामानों में जो चीज़ें रखनी होती है ज़रूरी, वो सारी चीज़ें, डेकोरेशन की कुछ चीज़ें सारी यहाँ पर मिल जाती है जो मेहंदी हल्दी के फंक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। और ये है हमारी चाय पत्ती की दुकान जहाँ पे हम चाय पत्ती लेते हैं, मसाले वाली चाय, और उसके जो लीव्स होते हैं ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। रुकिए, ये हमारा 10 नंबर वाला चाय पत्ती और उसके अंदर हम ये लीव्स डालते हैं, जो भी भैया आएंगे दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे। देखिए ये जो लीव्स होते हैं ना, फ्रेश लीव्स सुखाने के बाद ऐसे होते, तो ये भी हम लेते हैं उसमें, आधा किलो के लिए 50 ग्राम डालते, तो चाय का स्वाद भी बड़ा मस्त लगता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आ चुकी हूँ पार्लर, आपको मैं जब मैं मार्केट में, तो फ्रेंड्स मैं अब आ चुकी हूँ पार्लर और मार्केट में मैंने क्योंकि फ़ोन पकड़ा था तो मैं मार्केट में अपना व्लॉगिंग आपके साथ नहीं कर पाई, बट मार्केट दिखाना था मुझे क्योंकि उस मार्केट में मैं आपको कभी नहीं लेके गई हूँ, हमेशा सिर्फ दुर्गुदबल में घूमी हूँ जहाँ पे हम ज़्यादातर शॉपिंग करते, कपड़े खरीदते। एक्चुअली जब कपड़ों की शॉपिंग मैंने आज की तब मैंने व्लॉगिंग मतलब वीडियो स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि उस मार्केट में मैंने आपको बहुत बार घुमाया है। आज क्योंकि मैं अंदर गांधी मार्केट गई थी, फूलों के मार्केट गई थी, मसालों के मार्केट में गई थी, फलों के मार्केट में गई थी, तो वहाँ लेके गई हूँ आपको, जैसे कि अभी आपने देखा ही है। अब मैं आई हूँ पार्लर और अभी है मेरे अपॉइंटमेंट्स और क्लीनिंग सब हो चुकी है मेरे पार्लर की। कुछ कपड़े जो पार्लर के कपड़े नैपकिन वगैरह में धो के लाई हूँ उस बैग में है, अभी वो मुझे सेट करने क्लाइंट आते हैं, तब तक थोड़ी यहाँ की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ, थोड़ी सी धूल हो रखी है और जब तक क्लाइंट आते हैं तब तक बाकी की सारी चीज़ें सेट कर लूँगी। तो एक मिनट आई। हाँ तो मैंने सोचा कि क्लीनिंग करते करते आप लोगों से थोड़ी बातें भी कर लूँ। और फूलों के रेट हो चुके हैं, माई गॉड, मतलब मेरे पास ना पहले एक भैया आते थे जो मुझे हर रोज़ फूल दे के जाते थे, 10 रुपये का एक पैकेट, 20 रुपीज़ का एक पैकेट, तो 2 पैकेट्स फूल मुझे काफ़ी होते थे क्योंकि काफ़ी फूल आते थे उसमें, और कम से कम 15, 16 या 20 तक काउंटिंग के एक पैकेट में आते थे, तो 2 पैकेट फूल मुझे काफ़ी हो जाते थे। तो मुझे पता ही नहीं था फूलों का रेट क्या है किलो के हिसाब से। और 2 बार मेरी फ्रेंड लेके आई थी, उसको कुछ सस्ते में बहुत फूल मिल गए थे अच्छे, तो उसने कहा कि मैं लेके आती हूँ तेरे लिए, तो मुझे इतना पता नहीं चला था। आज जब फूलों के मार्केट में मैंने आज के रेट पूछे है, 200 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो फूलों के रेट हो चुके हैं। बहुत महंगे थे लेकिन बहुत खूबसूरत फूल थे, मतलब उन फूलों को देख के ना लेने का मन ही नहीं किया। लिया मैंने भी 2-3 तरह के फूल ले लिए क्योंकि कलर फूल ऐसे भगवान जी को हम जब चढ़ाते हैं ना तो अच्छा लगता है पूजा करने के लिए। और मुझे एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट। तो रात को घर आने के बाद खाना वाना पकाया और थोड़ा कुकर ठंडा होने का वेट कर दीजिए, तब तक मैं एडिट कर रही थी। तो तेजू की फ्रेंड आई थी, उसको मेहंदी निकलवानी थी, मैंने भी बड़े सालों से किसी के हाथों में मेहंदी नहीं निकाली है, मतलब अभी बच्चों को कभी कभी ऐसे निकाल देती हूँ बट पर्टिकुलर बैठ के किसी और के हाथ पे मेहंदी नहीं निकाली थी, कम से कम 1 साल तो हो चुका होगा। तो मैंने भी बहुत दिनों बाद मेहंदी निकाली, देखी नींद भी एक्चुअली बहुत आ रही थी, फिर भी ठीक है, अच्छी खासी ही बनी है, नॉट बैड।
खाना गीना होने के बाद ना मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मतलब इतनी गर्मी थी ना। और मैंने कहा कि नहीं राज को चलो थोड़ी देर गाड़ी पे मुझे एक सैर करा के लाओ ताकि अभी मैं अच्छे से सो पाऊँ। मुझे थोड़ा ऐसे रात को ना जब रोड खाली होता है तो ऐसे टू व्हीलर पे हवे पे घूम के आना अच्छा लगता है, उसके बाद अच्छी नींद आती है मुझे। तो फ्रेंड्स अब हम आप लोगों से कल मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में या किसी अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।